प्रयास साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। भाजपा से सपा में शामिल हो रहे हैं, श्री महेश समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, श्रीमती में एक अनुशासित सिपाही की तरह, और माननीय श्री रामचंद्र राजभर जी लगभग 35 साल से एक अनुशासित सिपाही की तरह पार्टी के प्रति निष्ठावान होकर कार्य कर रहे थे, और बाबा साहब के सपनों के अनुसार समतामूलक भारत के निर्माण में योगदान करने का काम कर रहे थे। 3 जून को बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हम दोनों लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। मैं उस समय कोरोना की बीमारी से ग्रसित था, पूरी तरह से ठीक भी नहीं हो पाया था, ऐसी स्थिति में पार्टी से निकालने का काम किया गया। हमने इन 3-4 महीनों में 3 जून से लेकर अब तक क्षेत्र में रहकर पूरे प्रदेश में विभिन्न लोगों से संपर्क करके जानने का प्रयास किया, और ये पाया कि भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम किया है, अपराध बढ़े हैं, किसानों का उत्पीड़न हुआ है, यहाँ तक उनको कारों से कुचलने का भी काम किया जा रहा है, किसान की आमदनी दूनी करने की जगह पर किसान की लागत मूल्य 4 गुना करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, दलितों पिछड़ों के आरक्षण के साथ डाका डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और इन परिस्थितियों में मैं ये महसूस किया हम लोगों ने, मैंने और श्री रामचंद्र राजभर जी ने, कि आज भारतीय जनता पार्टी की इस कुशासन का विकल्प और समतामूलक समाज की स्थापना का कोई केंद्र बन सकता है तो समाजवादी पार्टी बन सकती है। इसलिए हम लोगों ने एक फैसला किया है, 7 नवंबर को अंबेडकर नगर जिले में अकबरपुर में भानमती पीजी कॉलेज के मैदान में एक अपने समर्थकों का और सत्ता परिवर्तन करने वाले चाहत रखने वाले लोगों का एक सत्ता परिवर्तन जनादेश रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें हम और माननीय श्री रामचंद्र राजभर जी अपने तमाम साथियों के साथ, हजारों हजार साथियों के साथ 7 नवंबर को समाजवादी पार्टी के इस अपेक्षा से कि बाबा साहब के सपनों को साकार करने में, चौधरी चरण सिंह के सपनों को साकार करने के लिए, समतामूलक समाज की स्थापना के लिए, और जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी की चाहत के दृष्टि से प्रदेश में एक समावेशी सरकार की स्थापना करने का काम करेगी, इस अपेक्षा के साथ हम लोग वहां पर अपने तमाम समर्थकों के साथ 7 नवंबर को निर्णय समाजवादी पार्टी में शामिल होने का काम करेंगे, और उसी का निमंत्रण देने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे, उनको निमंत्रण देने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। ये इस बात की जानकारी मैंने आप सभी लोगों को कराने का काम किया। धन्यवाद। जय हिंद। बड़ी बड़ी संस्थाएं जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने हक और सम्मान देने के लिए रास्ता खोला था, जब सरकारी कंपनियां खत्म हो जाएंगी, सरकारी नौकरियां नहीं होंगी, तो आखिरकार वो हक और सम्मान कहां मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी लगातार चीजों को बेच रही है। एयरपोर्ट दिखाई दे जाए तो एयरपोर्ट बिक जाएगा, हवाई जहाज दिखाई देगा तो हवाई जहाज बेच दिए, पोर्ट बेच दिए, रेलवे स्टेशन की जमीनें बेच दी, ट्रेनें बिकने जा रही हैं, और फिर जो जो सपने दिखाए थे नौकरी के, रोजगार के, महंगाई कम करने के, इन्वेस्टमेंट के, वाकदार कहां है? ये भारतीय जनता पार्टी कपट धोखे छल के दलदल में खिला रहे हैं झूठ का फूल। भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 साल में कपट से धोखे छल के साथ साथ दलदल में खिलाया है झूठ का फूल।
और कितना भ्रष्टाचार है। मंत्री मंत्री पे आरोप लगा रहे हैं, अधिकारी अधिकारी पे आरोप लगा रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि एक अधिकारी दूसरे अधिकारी पर आरोप लगा रहा हो कि यह भ्रष्टाचार हो रहा है, बेईमानी हो रही है। एक मंत्री दूसरे मंत्री पर आरोप लगा रहा हो, उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहा हो, यह कहां हो रहा था? इसे झूठ के फूल का समय खत्म हो गया है। और साइकिल से तो इसलिए आपत्ति है, इसलिए परेशानी है कि ना साइकिल में डीजल चलता है ना पेट्रोल चलता है। तो जो डीजल पेट्रोल समाजवादी लोग साइकिल चलाएंगे तो नहीं लेंगे, तो मुनाफा किसको मिलेगा? समाजवादी पार्टी और मैंने कई बार पूछा है इसी मौके पर यहीं पर कि जो डीजल पेट्रोल है उसका आखिरकार मुनाफा कहां जा रहा है? जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल कम था तब भी जनता से वसूल रहे थे पैसा, तब भी मुनाफा वसूला जा रहा था, और आज भी वसूला जा रहा है। डीजल पेट्रोल की महंगाई देख लें, और जिस समय डीजल पेट्रोल की महंगाई होती है हर जरूरत की चीज महंगी हो जाती है। सुबह से लेकर के शाम तक जो खाना खरीदते हैं, सब्जी खरीदते हैं, वो सब महंगा है। आज सरसों का तेल कहां पहुंच गया? सरसों के तेल के कीमत क्या है आज? उसके लिए जिम्मेदार कौन है? भारत सरकार से पूछा गया कि आखिरकार ये सस्ता क्यों नहीं है, कड़वा तेल सस्ता क्यों नहीं है? तो भारत सरकार में मंत्री कहते हैं कि सरसों के तेल में मिलावट नहीं हो पा रही इसलिए महंगा नहीं है। और जो आज अगर मीटिंग हो भी रहेगी तो हो सकता है सरसों के तेल की कीमत को गिराने के लिए मिलावट बढ़ा दे बीजेपी, कि सरसों के तेल में मिलावट हो, शुद्ध सरसों का तेल भी जनता को ना मिले, इसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सवाल हेलीकॉप्टर का नहीं है, सवाल ये है कि ओम प्रकाश राजभर जी का दल और हमारे लालजी वर्मा जी, रामचंद्र राजभर जी, इंद्रजीत सरोज जी, और इधर हमारे रामप्रसाद चौधरी जी, त्रिभुवन दत्त जी और राममूर्ति वर्मा जी सब एक मंच पे बैठे हैं, और पीछे देखो कितने बड़ी संख्या में लोग बैठे हैं। कोई तीसरा साथी भी आएगा क्या? अब जब नेता जाते हैं तो हेलीकॉप्टर में सीट कितनी होती है? देखिए सबसे बड़ा आप ये सब बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि आज मेडिकल कॉलेज उद्घाटन हो रहे हैं, जिस समय जनता को दवाई की जरूरत थी, जिस समय उत्तर प्रदेश की गरीब जनता को इलाज की जरूरत थी, जिस समय उत्तर प्रदेश की जनता को ऑक्सीजन की जरूरत थी, उस समय उत्तर प्रदेश की सरकार कहां थी? उत्तर प्रदेश के गरीबों को, उत्तर प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी ने अनाज छोड़ दिया। और जो पहले से चल रहे मेडिकल कॉलेज, सहारनपुर का मेडिकल कॉलेज, क्या उसको पर्याप्त बजट मिल रहा है? बदायूं मेडिकल कॉलेज, क्या उसको पर्याप्त बजट मिल रहा है? यही केजीएमयू जो प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन है, क्या उसको पर्याप्त बजट मिल रहा है? आगरा मेडिकल कॉलेज जो सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है, क्या उसको पर्याप्त बजट मिल रहा है? क्या कानपुर के मेडिकल कॉलेज को पर्याप्त बजट मिल रहा है? सैफी के मेडिकल कॉलेज को न दें आप, लेकिन और मेडिकल कॉलेजों का बजट क्यों रोक दिया आपने? वहीं जौनपुर का मेडिकल कॉलेज जो समाजवादी सरकार में बनना शुरू हुआ था, आखिरकार क्यों पूरा बजट नहीं मिला? समाजवादी सरकार में शाहजहांपुर का मेडिकल कॉलेज बन रहा था, उसको बजट क्यों नहीं मिला? फरीदाबाद का मेडिकल कॉलेज समाजवादी सरकार में बन रहा था, उसको बजट पूरा क्यों नहीं मिला? झांसी में अलग से 500 बेड हॉस्पिटल बनकर के तैयार हुआ है, झांसी मेडिकल कॉलेज को बजट क्यों नहीं मिला? बांदा के मेडिकल कॉलेज जिसको बनाने का काम किया उसको क्यों नहीं मिल रहा पूरा? आजमगढ़ में जो अदर और फैसिलिटीज प्रोवाइड होनी थी, और मुझे याद है जिस समय कोविड आया और जिस समय ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने, क्या भारत के देश की सरकार ने आजमगढ़ के मेडिकल कॉलेज को ऑक्सीजन प्लांट दिया था क्या? उसको अगर कहीं ऑक्सीजन प्लांट मिला था तो हमारी खुद की निधि से हमें खुद वहां पर ऑक्सीजन प्लांट देना पड़ा। तो जो मेडिकल कॉलेजेस हैं पहले से जो चल रहे हैं, पहले से जो बनकर के तैयार हुए हैं, क्या उसका बजट कहां है? ये केवल झूठ के फूल हैं और कुछ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के उनके अपने सबसे बड़े नेता
जिस पत्रकार साथी ने यह सवाल पूछा है, मैं उस पत्रकार साथी से निवेदन करूंगा कि यहीं लखनऊ में सबसे बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के, जो देश के प्रधानमंत्री रहे, उनके नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी बनना शुरू हुई थी, उसका शिलान्यास हुआ था। वो सोचिए कहां चल रही है यूनिवर्सिटी, वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट के 9th फ्लोर पे यूनिवर्सिटी चल रही है। मैं चाहूंगा कि आप अपना कैमरा लेकर के जरूर वहां जाएं, जब ये मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन दिखा रहे हैं आप, तो ये भी दिखाइए कि एक शिलान्यास प्रधानमंत्री जी ने किया था मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो आज भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के 9th फ्लोर पे चल रही है, और उसी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिसमें 9th फ्लोर पे यूनिवर्सिटी चल रही है, उसका भी बजट खा लिया इन्होंने। क्या आप ये सवाल पूछोगे कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी जो समाजवादी सरकार में चल रही 9th फ्लोर में, उसका बजट क्या हुआ, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के नाम पर जो इंस्टीट्यूशन चल रही है उसके बजट का क्या हुआ? उसका कोई जवाब है सरकार के पास? ये झूठ के फूल हैं। चुनाव करीब आ गया है, जनता इन्हें हटाने जा रही है, इसलिए जगह जगह जाकर के मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन हो रहा है। ये जौनपुर के नेता बैठे हमारे, बताइए जौनपुर का वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज था, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा था, और आप बताइए कि जो कैंसर इंस्टीट्यूट बना है लखनऊ में, जो कैंसर इंस्टीट्यूट बना, 4.5 साल इंतजार किया जिसने, और इसलिए नहीं शुरू किया गया क्योंकि समाजवादी सरकार ने बनाया है। सवाल समाजवादी सरकार के इंस्टीट्यूशन का नहीं है, सवाल यह कि 4.5 साल इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीबों को कैंसर का इलाज नहीं दिया, उन्हें बिचारों को भटकना पड़ा दूसरे शहरों में जाकर। सर, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, आज महंगाई है, बेरोजगारी है, और लगातार लोगों के साथ अन्याय हुआ है। इतना अन्याय, इतना उत्पीड़न कभी नहीं हुआ होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। इसलिए झूठ के फूल खिलाए जा रहे हैं, और झूठ के फूल खिलाएंगे ये लोग, जनता इस बार सावधान है। और मुझे खुशी है जिस तरीके का समर्थन सहयोग मिल रहा है, जिस तरीके से दूसरे दलों के लोग आ रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में हो सकता है उत्तर प्रदेश की जनता 400 से ज्यादा सीटें जिता करके अगली सरकार बना देगी।